हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा की कुकिंग। ठंड के मौसम में गुड़ और तिल से बनी गजक और संक्रांति के समय तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, जो स्वाद में बेहद ही लाजवाब होते हैं। सेहत के लिए भी कई तरीके से फायदेमंद होते हैं। तिल के लड्डू खाने से पेट के लिए बहुत ही असरकार होता है। कब्ज, गैस, एसिडिटी को ख़त्म करता है। पेट को साफ करने में भी मदद करता है। ठंड के मौसम में तिल के लड्डू खाने से भी ठंड से बचा जा सकता है और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। कमर दर्द में भी बहुत ही आराम आता है। मासिक धर्म में जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो एक तिल के लड्डू खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, तो क्यों ना तिल के लड्डू बनाया जाए। वैसे भी मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाए ही जाते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर तिल को ले लिया है। तिल आपको जितना भी बनाना हो उस हिसाब से आप तिल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम तिल लिया है और उसको हम इसी तरीके से पहले रोस्ट कर लेंगे। तिल को हमें थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप गैस को बंद कर देंगे और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। किसी भी एक बर्तन में आप इसको निकाल लीजिए। अगर आपको इसमें कोई ड्राई फ्रूट डालने हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ मूंगफली डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर और आप ड्राई फ्रूट जो पसंद करती हैं वो भी काट के डालकर उनको रोस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मूंगफली लिया है, वो भी आधी कटोरी के लगभग मैंने लिया है। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर तिल के लड्डू बनाए हैं तो तिल की मात्रा ज़्यादा है। तो फिर मैं इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी रोस्ट कर लूँगी। तो देख सकते हैं, आप इसको घी में भी भून सकते हैं या फिर आप ऐसे ही इसको भून सकते हैं। इसको हमें थोड़ा सा समय लगेगा भूनने में, क्योंकि हमें इसको धीमी आंच पे भूनना है। तो जब मूंगफली आपकी भून जाए तो इसका जो छिलका है उसको हमें उतार लेना है। आप चाहे तो छिलके के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमारी मूंगफली भी अच्छी तरीके से भुन गई है। इसको भी हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसका जो छिलका है उसको हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद हम वही सेम पैन लेंगे और उसमें हम गुड़ डालेंगे। तो गुड़ आप मैंने यहाँ पर जितना तिल लिया है उसका आधा, मतलब आप 1.5 कटोरी गुड़ इसमें डाल दीजिए। और इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और भी गुड़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी के लगभग इसमें गुड़ डाला है। उसको यहाँ पर मैंने चाकू की मदद से काट करके लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम गैस को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसको थोड़ी देर पकाएँगे। जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसी तरीके से इसको मिलाते हुए चलाते रहना है। थोड़ी ही देर में ये इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर पकाने के बाद हमें इसकी कोई ऐसी चाशनी नहीं बनानी है। हम इसका जो है कि जो एक थोड़ा सा पानी लेकर पहले चेक करेंगे और चेक करने के बाद जब ये रबड़ जैसा तनने लगे तब समझ लीजिए कि ये लड्डू के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से चलाते हुए इसको पकाया है। धीरे धीरे इसका जो पानी है वो ख़त्म हो गया है और ये गुड़ भी अच्छी तरीके से पक चुका है लगभग। तो देख सकते हैं, यहाँ पर हमने थोड़ी देर ही पकाया है और इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसको हम चेक करेंगे पानी में, थोड़े से 2-3 ड्रॉप डाल के इसको हम चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से रबड़ जैसे जब तनने लगे तब समझ लीजिए कि ये लड्डू के लिए एकदम परफेक्ट है। और गैस को हम बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद हम तुरंत ही इसमें जो हमने तिल भून कर लिया था वो डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और जो मूंगफली है उसको भी हम इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। और जो बचा हुआ तिल है उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो लड्डू का डो है एकदम तैयार हो गया है। अब हमें सिर्फ इसको बांधना है और हाथ पे आप जो है कि घी या फिर पानी लगाकर
पानी आप ना लगाएं, आप घी लगाएं या फिर आप ऐसे भी हाथ से इसको सिंपली बांध सकते हैं। तो देखिए हमारा जो लड्डू का डो है ये बिल्कुल रेडी है और इसको हम इसी तरीके से धीरे धीरे सभी लड्डू को गोल गोल शेप देकर बांधते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बन जा रहे हैं। आप छोटा बड़ा जो भी शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो तिल का लड्डू है ये बनके तैयार है। आप अपने घर पर ही मार्केट जैसा तिल के लड्डू बनाइए और इसके फ़ायदे तो बहुत हैं। आप इसको बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़ों को भी खिला सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हर जगह तिल के लड्डू अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो ये वाला तिल का लड्डू है ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है और बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बनकर रेडी भी हो जाएगा और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए इसको। मैं आपको फोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये बहुत ही आसानी से फूट जा रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से ये फूट जा रहे हैं लड्डू और ये बहुत ही अच्छे बने थे।